अब राजकुंद्रा मामले में एक और एक्ट्रेस ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से न्यूड शूट करने के लिए उन्हें लालच दिया गया था। क्या है पूरी जानकारी, आइए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूस। आपको बताना चाहूंगी, राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ही कोई तरीके से इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं, कई सारी जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस हैं वो सामने आ रही हैं और बता रही है कि किस तरीके से वो पोर्नोग्राफी का शिकार हुई है, किस तरीके से उन्हें इस इंडस्ट्री में धकेलने के लिए कोशिश की गई थी। सारी एक्ट्रेसेस आके बता रही हैं। अब आपको बताना चाहूंगी कि हाल ही में जो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का घर है जुहू में, वहाँ पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की थी और उस दौरान पूछताछ भी की गई थी शिल्पा शेट्टी से, और उन्होंने बता दिया कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। और तो और राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने जमानत के लिए उन्होंने याचिका भी डाली थी, जिसकी सुनवाई अब सोमवार को होगी। लेकिन अब आपको बताना चाहूँगी कौन सी वो एक्ट्रेस है, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, जिन्होंने सामने आकर अपना दर्द बयां किया है। और दर्द बयां करते हुए उन्होंने जो पीए हैं राज कुंद्रा की कंपनी में, उमेश कामत, उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि किस तरीके से इस पॉर्न बिजनेस में उन्हें लाने के लिए लालच दिया गया था। उमेश कामत के द्वारा ये आरोप लगाया और ये बातें सारी उन्होंने सोशल मीडिया पर बताई है। एक्ट्रेस का नाम है निकिता फ्लोरा सिंह और इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके सारी ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुझे उमेश कामत ने पिछले साल नवंबर में राज कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट के लिए न्यूड शूट करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। उमेश कामत ने मुझे रोजाना 25,000 रुपये देने की पेशकश की, लेकिन मैंने न्यूड होकर शूट करने से इनकार कर दिया। हैरानी की बात है कि अब दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। भगवान का शुक्र है कि मैं राज कुंद्रा जैसे बड़े नाम के झांसे में नहीं आई, जिसने कई मासूम लड़कियों को वल्गर एक्ट का लालच दिया। झारखंड की एक लड़की का अपने पति से तलाक हो गया क्योंकि उसने उनके लिए शूटिंग की थी। जी हाँ, इस तरीके से उन्होंने, जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है निकिता ने, अपनी बात रखी है सामने, ये सारी बातें बताई हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं जो सामने आएंगी और जो इस चीज से, इस दौर से गुजर चुकी है, अपनी बातें रखेंगी। आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप सभी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, आप सबकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके। और देखते रहिए फीफा फूस इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।